इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। ये लोग बीमार बच्चे लेके बैठे एक घंटे से, बस आपके घर की परेशानी परेशानी होती है, हमारे घर की परेशानी परेशानी होती है। मुंबई के गोवंडी इलाके से सपा की पूर्व कॉरपोरेटर आयशा आजमी का उनके समर्थकों के साथ और कुछ लोगों के बीच में कहा सुनी और बाद में मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 6 फरवरी के दोपहर की बताई जा रही है, जब आयशा के सामने एक महिला अपने कुछ समर्थकों के साथ आई थी, जो बताया जाता है कि वहां की गोवंडी की वो एक लोकल एनजीओ में काम करने वाली महिला थी। वो शिवाजी नगर इलाके में खास तौर पर जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो जाने की वजह से उसका गंदा पानी लोगों के घरों में जाता था, इस बात की शिकायत करने के लिए आजमी के पास आए हुए थे। लेकिन वो बातचीत के ही दौरान उनके साथ के जो समर्थक थे वो लोग बीच में आ जाते हैं और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक वो लोग बातचीत के दौरान ही बात कहा सुनी तक पहुंच जाती है और मारपीट की नौबत आ जाती है और पूरी अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो जाता है। और जो महिला जो समाजसेवी है वो शिकायत करने के लिए जो आई थी उसके साथ के जो समर्थक थे वो इस हमले में घायल हो गए। कुल 5 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। जब इस बारे में लोकल पुलिस से बात की गई तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो महिला थी वो आयशा के पास जाने से पहले उन्होंने पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से जब उन्हें इस बारे में पता चला इस घटनाक्रम के बारे में तो वो फिलहाल अब मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंच गया है। आखिर विवाद क्यों हुआ था और हाथापाई की नौबत क्यों आ गई, इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस करेगी और जरूरत पड़ने पर जो सेक्शंस होंगे या FIR होंगे वो भी दर्ज की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पुलिस का रवैया है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है आयशा आजमी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े करती है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।